पूरे देश में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई गणमान्य लोगों ने ध्वजारोहण भी किया। वहीं दिल्ली में रॉबिनहुड आर्मी ने आजादी का जश्न अलग ही अंदाज में मनाया। ये वो बच्चे हैं जो समाज के अंतिम छोर पर हैं, लेकिन इन्हें मुख्य धारा में लाने का जिम्मा रॉबिनहुड आर्मी नाम के एनजीओ ने उठाया है। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया। रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर्स ने इस मौके पर 100 लोगों को इकट्ठा किया, राशन बांटा और आशीर्वाद लिया। और यहाँ की फैमिली जो है हमारे 4-5 साल से हमें जानती है, यहाँ 200-250 के आसपास फैमिलीज रहती है, तो उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके पीछे का मकसद यह है कि हमें आज़ादी तो आज से काफ़ी साल पहले मिल गई थी, बट भूख से आज़ादी जो है उसके लिए हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस भूख से आज़ादी के लिए हम ये मिशन चलाते हैं हर साल। हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, ये हम अपने फ्री टाइम में करना चाहते, तो अपनी मर्जी से हम लोग अपना टाइम निकाल के आते। रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर में कोई UPSC स्टूडेंट है तो कोई जॉब कर रहा है। ये सब फ्री टाइम में इन इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद करते हैं। रॉबिनहुड आर्मी 2014 से चल रही है। भारत समेत कई देशों में संस्था गरीब लोगों की मदद करती है, उन्हें राशन बांटती है। ABP News आपको रखे आगे।